सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता होगा डिग्री का मान, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन एक जो आपके सरल कोण होता है 180 डिग्री, उसको रेडियन में हम हमेशा पाई बोलते हैं। इसको रेडियन में क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम इसको पाई बोलते हैं। और पाई को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो पाई का मान, वैसे तो आपने तो सुना है ना पाई का मान, हम जब आपने 2D को पढ़ा तो मैंने बोला था पाई का मान 22/7 होता है। कभी कभी नंबर सिस्टम या एरिया एंड पेरीमीटर में भी पाई का मान 3.14 जो कंप्लीट होता है, ठीक है, वो अनंत तक चलता रहता, ध्यान रखना। वैसे ही पाई जो रेडियन है उसका मान डिग्री में 180 होता है। अब यहां जो सवाल हमारे पास बनता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है कि डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। प्रक्रिया क्या होती है, सिंपल सी आपके सामने मैं बात रखता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सिंपल बात रखी है कि 90 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलिए। एक तो मैंने इधर रख दी बात, दूसरी बात इधर मैं आपके सामने रख देता हूं कि 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, को डिग्री में बदलो। तो अगर आप ये दोनों सीख जाएंगे, फिर मैं आपके सामने जो भी प्रश्न रखूंगा, चाहे वो डिग्री को रेडियन हो चाहे रेडियन को डिग्री हो, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो जब भी आप डिग्री को रेडियन में बदलते हैं उसका तरीका यह है, किसी भी डिग्री को अगर आपको, एक सेकेंड, किसी भी डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो उसमें आप क्या कर लीजिए, 180 डिग्री का भाग दे दीजिए, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी भी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो आप उसका 180 से गुणा कर दीजिए। दोनों बातें क्लियर हो गई? वापस ध्यान दीजिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 से गुणा और साथ में पाई लग जाएगा उसके, ध्यान रखना। और यहां पर जब आपका सॉल्व हो जाएगा तब की बात है, और यहां आपके पाई हट जाएगा। इसमें तो रेडियन में बदलते हैं तो पाई लग जाता है, और डिग्री में बदलते हैं तो पाई हट जाता है। अब इस बात को मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। जैसे देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 के बटे में 180 कर दो, और जैसे ही 180 किया तो रिजल्ट आ गया 1/2, हम इसको बोलेंगे पाई बाई टू। कल को हो गया, मान लीजिए कोई और वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री है, तो आप एक काम करो 120 के बटे में क्या कर लो बोलो 180, 0 से 0, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। अब जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2/3 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2π/3। तो ये जितनी भी डिग्री है ना, वो डिग्री किस में कन्वर्ट होगी, रेडियन में। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 2/3, तो वैसा ही इस पाई की जगह 180 रख दीजिए, 3 से 60 बार कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 120 डिग्री। तो यहां पर रेडियन लगा सकते हो, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिग्री आपके रेडियन में कन्वर्ट होगी और रेडियन आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एक तरीके से सरल मैं आपको बात बोलूं तो जैसे हमने प्रतिशत में पढ़ा था ना, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना और भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, वैसे ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ जो काम होता है ना, वो 180 डिग्री के ऊपर आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। मुझे बताओ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि आपके रेडियन यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करूंगा कि ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, आपके फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर बनने वाला है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की, बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चंस, मतलब अब जो हम बात करेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं अपने, मैं हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उससे संबंधित प्रश्न, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रश्न, ताकि आपको ये पता चले भी ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है प्रश्नों पर। जैसे हमारा पहला, ये भी हमने सीखा है कि हम डिग्री को रेडियन में बदलना सीख चुके हैं, तो 75 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए मैं 180 से डिवाइड कर दूं, पहले बताओ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं अभी। 15 के पहाड़े में 5 बार, 15 के पहाड़े 15 एकम 15, 3 बचे, 15 दूना 30, 5/12, तो रिजल्ट आ गया 5/12, और जैसे ही रेडियन में तो 5π/12, और 5π/12 हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। और ये सवाल बहुत अच्छा पैटर्न है, और एग्जाम में बहुत बार जब इनिशियल स्टेज पर कोई एक सिंपल क्वेश्चन देना होता है, एक हार्ड क्वेश्चन देना होता है, तो एक पैटर्न ऐसा जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिग्री को भी रेडियन में बदलना है 40 डिग्री, और जैसे ही 40 डिग्री को मैं रेडियन में बदलूंगा, 180 से भाग दिया,
जीरो से जीरो, ये दो बार कैंसिल, ये नौ बार कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 2π/9। और 2π/9 हमारे डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 135 डिग्री को बदलना है। अब आपको बहुत सिंपल लगेगी ये बात, 135/180, 5 से देखो दो बार, 5 से 27 बार, 5 से 5 इंटू 3 15, 3 बचे ये बार, 9 से 3 बार और 9 से बोलो 4 बार, 3π/4, और 3π/4 हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो अब बताओ डिग्री को रेडियन में बदलने का आपको बोल दे तो आंसर दे सकते हो, वैल्यू भली कैसी हो आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब हमारे पास इसी का रिवर्स क्वेश्चन आ गया है। अभी तक हमने क्या किया था बताओ, शुरुआती प्रश्नों में हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास रिवर्स क्वेश्चन क्या, देख लो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 2π/3 को अगर डिग्री में लाना है तो इस पाई की जगह मुझे 180 रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो देखो 3 से ये कैंसिल, 60 बार, 60 इंटू 2 120 डिग्री, और आप सभी बताइए 120 डिग्री हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। तो अब आपके लिए चीजें थोड़ी आसान होनी चाहिए कि आप कन्वर्ट कर सकें। 5π/6 है तो इसको भी बदल देते हैं, 5 × 180/6, 6 से देखिए 30 बार तो हो गया 150 डिग्री, और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये सी में। तो यानी अब आपको ये पहला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखो 50 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा, चलिए बिल्कुल लाते हैं, 50/180, 0 से 0 ये अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हो गया 5π/18, और 5π/18 हमारे डी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर इट?